मिट्टी में मिला देंगे माफिया को, वो बयान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जिस पर सबसे ज्यादा आपको आपत्ति थी। असद मारा गया तो भाईचारे को खतरा हो गया, आज जब अनिल दुजाना मारा गया है तो क्या भाईचारे को खतरा नहीं है? अब तो कोई ट्वीट नहीं, कोई बयान नहीं आया आपके नेताओं का अभी तक। प्राची जी देखिए, दो तीन बातें हैं जो अभी मैं सुन रहा था डीजी लॉ एंड ऑर्डर को, तो कहीं ना कहीं एक बात सामने आई कि अगर उनका वर्जन माने तो अपराधी उत्तर प्रदेश में इतने बेखौफ है कि वो पुलिस को देखते ही गोली चला देते, इतना उनके अंदर कॉन्फिडेंस, इतना उनके अंदर अपराध करने की हिम्मत कहां से आ गई? कहां है सरकार का इकबाल कि अपराधी गोली चलाते हैं और उसके बदले में पुलिस को गोली चलानी पड़ती है, जो कि इनका वर्जन है। जबकि देखिए सत्यता क्या है, आज उत्तर प्रदेश में लोकल बॉडीज के चुनाव थे और आज समाजवादी पार्टी के फिरोजाबाद के प्रत्याशी के बेटे को गोली मारी गई है। ये स्थिति है उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की, और यहाँ पे बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी डीगे हाँकी जा रही हैं। देखिए सत्यता ये है, आज ही इसका इनकाउंटर हो गया तो कहीं ना कहीं शक तो होगा, कहीं ना कहीं संदेह तो होगा जनता को उत्तर प्रदेश की, क्योंकि देखिए ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आप देखेंगे कि आखिर एनकाउंटर के लिए 61 लोगों की आपने या 66 लोगों की जो लिस्ट बनाई है तो क्या आप सबको चुन चुन के मारेंगे? ये आपकी नीति है सरकार की, एनकाउंटर आपकी राज्य पॉलिसी है, स्टेट पॉलिसी है, इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। आज आपकी लाइन थोड़ी सी बदली बदली नजर आ रही है, एनकाउंटर पर सवाल उठा रहे हैं, कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। एक सेकंड, भाईचारा वाला शब्द गायब है आज, भाईचारा क्या भाईचारा अब नहीं ठीक है भाईचारा? हम तो कहते हैं कि जो अपराधी है उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन वो कानून के रास्ते से होनी चाहिए, लेकिन गोली चलानी पड़ती है। और देखें आप तो ज्यादातर इसमें अल्पसंख्यक और पिछड़ी जाति के लोग क्यों होते हैं, क्यों दलित होते हैं, ये कौन सी नीति है, ये क्या एजेंडा है भारतीय जनता पार्टी के सरकार का? और टाइमिंग पे बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, जिस दिन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के लड़के को गोली मारी जाती है अनिल दुजाना और इससे पहले आदित्य राणा। एक सेकंड आप देखिए, अब्बास हैदर साहब हम पॉइंट पर बात करेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। कह रहे हैं कि पिछड़ी जाति और अल्पसंख्यकों को टारगेट किया जाता है, तो असद से ठीक पहले आदित्य राणा का एनकाउंटर हुआ था और असद के ठीक बाद अब अनिल दुजाना का एनकाउंटर हुआ है, इसमें कहां से अल्पसंख्यक वाला एंगल आ गया और अब क्यों नहीं आपको लग रहा है कि भाईचारे के साथ खिलवाड़ हो रहा है? क्यों खामोश हो गए आपके तमाम नेता? तब तो बड़ी चिंता हो रही थी आपको प्रदेश की। भाजपा की सरकार है, ये जो भाजपा की सरकार है ये पिछड़ा विरोधी है, दलित विरोधी, अल्पसंख्यक विरोधी है। इनके पास अपने संरक्षित अपराधी हैं सरकार के, जिनके साथ ये खड़े हैं, और उसके अलावा ये साधारण अपराधी के खिलाफ इनकी दूसरी नीति है। हमारा ये कहना है कि अपराधी के खिलाफ, साधारण अपराधी और संरक्षित अपराधी, ये जो टर्म है ये अब्बास हैदर साहब आप बखूबी जानते होंगे, ये आप ही बखूबी जानते होंगे, लेकिन फिलहाल जो मुझे नजर आ रहा है वो ये नजर आ रहा है कि जो असद का हाल हुआ वही अनिल दुजाना का हाल हुआ है। अब आप पता नहीं इसमें कौन सा एंगल ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, आज भाईचारे वाला एंगल सूट नहीं कर रहा तो आप दलित विरोधी एंगल देने लग गए इसे। यहाँ पे देखिए, चाहे प्राची जी मैं हूँ, आप हो, या जो भी उत्तर प्रदेश की जनता है, वो चाहती है अपराधियों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई हो, वो फांसी पे चढ़े अगर कानून उसकी इजाजत देता है, लेकिन ये काम पुलिस को नहीं करना है, ये काम सरकार को नहीं करना है, ये काम न्यायालय को करना है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।